मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। रोड रोड चुड्डू जी कैसे हैं? बहुत अच्छा। और सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरिया दर्शकों को, मेरे पूरे भोजपुरिया समाज को, उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा। और काफ़ी दिनों के बाद ये जुटे हैं हम लोग और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी अंतराल के बाद मुंबई आया हूँ। हमारे मीडिया कर्मी भाइयों से, मेरे मीडिया के लोगों से, मेरे परिवार से, बल्कि मीडिया परिवार से मिलकर हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली हमारी पूजा जो है बहुत स्पेशल रही है हमारे लिए, और अभी जब मिलती है तो इतनी स्पेशल होती है। अब थोड़ी कम हो गई क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है, तो थोड़ी सी अब स्पेशल कम रहेगी। जी चिंटू जी, कहाँ थे आप? आपने अभी कहा कि आप मुंबई बहुत दिनों बाद आए हैं, कहाँ थे इतने दिनों से? दरअसल 3-4 फिल्मों की शूटिंग लगातार हुई, तो इसलिए उसी कारण बाहर बाहर ज़्यादा रहना हुआ। जैसा कि एक फिल्म अभी रिलीज़ होने वाली नायक, उसके शूट के बाद हम तुरंत चले गए थे विवाह की शूटिंग करने के लिए रायपुर। फिर वहीं से तो हम लोग डायरेक्ट चले गए थे लैला मजनू की शूटिंग करने के लिए लखनऊ, और उसके बाद फिर हम प्रेम गीत की शूटिंग करने चले गए थे नेपाल। तो काफ़ी समय के बाद आना हुआ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सारी फिल्मों का, चूँकि सारी फिल्मों का जोनर, सारी फिल्मों की कहानियाँ, सारी फिल्मों के मसाले, सारी फिल्मों की प्रेजेंटेशन सारी अलग हैं। सब अलग अलग टेस्ट के, अलग अलग फ्लेवर की फिल्में हैं। क्योंकि मैं खुद जब भी कोई भी फिल्म करता हूँ तो मेरी अपनी ये चॉइस होती है, अपनी हमें सोच होती है कि मेरी ये फिल्म मेरी किसी भी पिछली फिल्म की तरह ना हो, वैसी बिल्कुल मेल ना खाए थोड़ी भी। मेरी पूरा प्रयास रहता है कि काफ़ी हद तक बहुत कुछ नया हो और बहुत कुछ नया देता भी हूँ। और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मंत्र वही है कि आप जितना नया एंटरटेनमेंट देते रहेंगे, नई नई चीज़ें देते रहेंगे, उतना लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बस नायक की बात करें तो किस तरह की फिल्म है, क्या है जॉनर उसका? नायक एक बहुत ही कमाल की लव स्टोरी और एक्शन फिल्म है, और उस बीच कैसे एक रिवेंज पैदा हो जाता है उस कैरेक्टर के लिए, उस हीरो के लिए, और फिर वो जो लड़ाई है, वो जो टकराव है, वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी भव्य है, काफ़ी कमाल का है। चूँकि नायक को पूरी जो हैदराबाद की टीम है, जो साउथ की हम फिल्में जो देखते हैं, अभी तो साउथ की फिल्मों का काफ़ी अच्छा क्रेज़ है चैनल्स पे भी, हिंदी चैनलों पे भी आज हम देखते हैं, तो हिंदी से ज़्यादा साउथ की डब फिल्में आती हैं, जो काफ़ी सबको अच्छा भी लगता है, मुझे खुद भी अच्छा लगता है। तो उस चीज़ की वजह से जब ये फिल्म, जब हैदराबाद के लोग, जो रमन्ना जी हैं, रमन्ना मोगली जी जो हैदराबाद में रहते हैं, जो साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो जब वो आए फिल्म लेकर, तो एक मेरी अपनी वो चाह थी कि मैं ज़रूर उनके साथ फिल्म करूँ। और मैंने फिर फिल्म की, काफ़ी अलग मुद्दे पर, काफ़ी अलग कहानी, काफ़ी अलग प्रेजेंटेशन के साथ वो फिल्म बनी है। उसका ट्रेलर आप सबके बीच में यूट्यूब पर है एंटरटेन म्यूज़िक के द्वारा, और ये फिल्म 21 जून को रिलीज़ होने वाली है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। काफ़ी मेहनत किया गया है, एक काफ़ी अलग लव स्टोरी को भी एक अलग ढंग से प्रेजेंट किया गया है, एक्शन को, रिवेंज को, जो भी हम लोग जो देखना पसंद करते हैं वो सबको। और ख़ास तौर पर बता दूं कि ये सिनेमा बड़े पर्दे का है, तो आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघर में जाके फिल्म के ज़रूर देखिए। आप सबसे निवेदन बा कि सिनेमा हॉल में ही जाके फिल्म की देखिए। हम पिछले बार भी बात बोले रहनी थे, कमेंट में आए रहे बात कि भैया सिनेमा हॉल में जाने के लिए बोल तो रहे, लेकिन सिनेमा हॉल का स्थिति इतना ख़राब है कि हम लोग अपने सबके साथ जा ही नहीं पाते हैं। वहाँ की स्थिति, वहाँ की जो चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई हैं, और ये बात मैं भी मानता हूँ कि हाँ सिनेमा हॉल की कहीं कहीं स्थिति बहुत ख़राब है, लेकिन अब नए सिनेमा हॉल का उत्पत्ति शुरू हो गई, नए नए सिनेमा हॉल बन रहे हैं। और लेकिन ये आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जो भी आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल हो उसमें जाएँ और फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप सब लोग, जब रवा लोग जाके सिनेमा हॉल में जाके फिल्म के देखें, तभी भोजपुरी के फायदा हुई, तभी भोजपुरी और आगे बढ़ी। तो रवा सबसे निवेदन बा कि अपना पूरा परिवार के साथ, पूरा दोस्त यार के साथ, सब केहू के साथ जाके सिनेमा हॉल में नायक फिल्म के 21 जून के ज़रूर देखिए। आपकी पिछली एक फिल्म रिलीज हुई थी माई रे माई, उसका एक गाना बहुत 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 और बहुत सुपर हिट हुआ था। सो ये जो पाइपलाइन में 4-5 फिल्में हैं उनमें भी ऐसा कुछ गाना रहेगा कि वो बिल्कुल नहीं, हमने वो गाना जब हिट हुआ, पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ, उस पर काफ़ी विवाद भी हुए। मेरे ख्याल से भोजपुरी का सबसे मोस्ट कंट्रोवर्शियल गाना हुआ आज तक का, जी भोजपुरी इतिहास में जितने गाने बने हैं। लोगों को लहंगा चोली में दिक्कत नहीं था, लेकिन चुम्मा में बड़ा दिक्कत हो गया था, और वो भी खास तौर पर पांडे जी का। तो वो जो जातिवाद को जो लोगों ने जानबूझकर अपने जातिवाद, जबकि वो खुद ज़्यादा जातिवाद करते हैं, उस चीज़ को लेकर उन्होंने जातिवाद उस गाने को कर दिया था, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी।
और जहाँ तक ये बात है चुम्मा की, तो अमिताभ बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन जी से लेके चुम्मा चुम्मा दे दे, गोविंदा साहब से लेकर के चुम्मा तू मुझको उधार दे दे चाहे बदले में यूपी बिहार, तो गोविंदा साहब तो चुम्मे के बदले पूरा यूपी बिहार ही लुटा दे रहे थे, तो तब दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब पांडे जी ने चुम्मा ले लिया तब दिक्कत हो गई थी लोगों को। तो लेकिन उसी दिक्कत की वजह से शायद गाना और ज़्यादा हिट हुआ, काफ़ी चर्चित था। मुझे अभी बहुत कुछ ही दिन पहले बहुत ज़्यादा और भी गर्व महसूस हुआ मुझे उस गाने को लेकर, क्योंकि वो गाना लंदन की किसी शादी में बज रहा था और ये बहुत अच्छी बात थी। उसका वीडियो भी आया था मेरे पास। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप अपना काम करते हो। पहली बार मैंने कोई अपनी आवाज़ में गाना गाया था तो वो एक और भी बड़ी खुशी की बात है। वीनस कंपनी के माध्यम से वो गाना था और वीनस कंपनी का सबसे हाईएस्ट और मोस्ट व्यूड गाना है वो, पांडे जी का बेटा हूँ, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ और आप सभी का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं उन लोगों ने उस गाने को इतनी बार सुनकर, इतना व्यू देकर उस गाने को इतनी बड़ी हिट किया, उसके लिए आप सभी का हाथ जोड़कर मैं अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी लोग का दिल से आभारी रहूँगा हमेशा। और उसके अलावा आप जितने भी फिल्में आ रही हैं उसमें भी मैं गाने गा रहा हूँ, तो आप सबसे निवेदन है कि आपकी इस चिंटू के जो भी गाने हैं उसे ज़रूर सुने और बजाएं। और चूँकि मैं गाना उसी हिसाब से गा रहा हूँ जो आप अपने परिवार के साथ कहीं पर भी आप बजा कर, शादियों में, किसी बर्थडे फंक्शन में, किसी भी पार्टी में आप बजा कर आप उस पर एंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से वही सोच रखकर मैं कोई भी गाना गा रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग को गाना ज़रूर पसंद आएगा। नायक में गाना बहुत अच्छा अभी हिट हुआ है, अपने से पलंग बजा लो रे, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है पब्लिक में, बहुत अच्छा डीजेज में बज रहे हैं गाने। तो जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी मेरे भोजपुरी दर्शक हैं, सभी लोग उस गाने को ज़रूर सुनें। नायक में और भी अच्छे अच्छे गाने, तो आप लोग सभी गानों को ज़रूर सुनें। और हाँ, अभी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म प्रेम गीत का टीज़र आया है भोजपुरी में, बहुत ही कमाल की, बहुत ही स्टैंडर्ड फिल्म बनी है जो हम सभी ने बहुत प्रयास किया है उस फिल्म में, कि एक स्टैंडर्ड, जो लोग बदलाव की जो बात करते हैं कि भोजपुरी में अब बदलाव होना चाहिए, वो बदलाव उस फिल्म में, उसकी कहानी बिल्कुल पूरी तरह एक अर्बन सिनेमा की तरह है, एक अर्बन सिनेमा की तरह ही वो फिल्म बनी है। तो जितने भी लोग, जो मेरे दर्शक हैं और हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में जाए, खासतौर पर ऐसी फिल्में जिन्हें मल्टीप्लेक्स में जो लोग देखना चाहते हैं, जो हमारे हायर सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग भी भोजपुरी को देखना चाहते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल की कमी की वजह से वो लोग नहीं देख पाते हैं। तो हम सभी का प्रयास है कि अभी मेरी एक फिल्म है विवाह, जो काफ़ी चर्चित है, काफ़ी खूबसूरत बनी है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, बहुत ही कमाल की, बहुत ही सुंदर फिल्म है। हम सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो फिल्म मल्टीप्लेक्स में आए और आप सभी लोग अपने पूरे परिवार के साथ मल्टीप्लेक्स में जाकर वो फिल्म को जरूर देखिए। चलो, फिल्म की बात की आपने, उसमें यामिनी सिंह हैं, पहली बार आप फिल्म कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे उनका फ्यूचर कैसा होगा? बहुत खूबसूरत अभिनेत्री हैं, बहुत ही बेहतरीन अदाकारा हैं यामिनी सिंह जी, और यामिनी ने काफ़ी मेहनत भी की उस फिल्म में। हम लोग देखते थे कि वो काफ़ी अपने कैरेक्टर में काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी, काफ़ी अच्छा मेहनत किया उन्होंने, और उनके भी कई सारी फिल्में आ रही हैं, तो हमारी, मेरी तरफ से स्पेशली उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वो और आगे बढ़े और टॉप स्टार में उनकी नाम दर्ज हो। मेरे साथ जितनी भी हीरोइंस लॉन्च हुई हैं वो सारे आज टॉप स्टार्स हैं, सारे बड़े नाम करें, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी की बात होती है जब आपके साथ कोई अभिनेत्री जब लॉन्च होती है, कोई हीरोइन जब लॉन्च होती है और वो जब टॉप रैंकिंग में, जब लोग उन्हें इतना प्यार दे रहे होते हैं, इतना चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आपके साथ जो लड़की जब पहली बार आपके साथ कदम रखी थी इंडस्ट्री में और आज वो इतना नाम, इतना काम कर रही है, तो काफ़ी खुशी होती है। बल्कि हीरोइंस ही नहीं, जो भी कलाकार, जितने भी कलाकार हो, चाहे वो टीम कोई टेक्नीशियन हो, कोई भी जब आपके साथ, जब पहली बार आप उसे जब मौका देते हैं और जब वो अपने उस मौके को, मौके पर खरा उतरता है, वो जब अच्छा काम करता है, तो उनसे ज़्यादा खुशी आपको होता है कि हमने जिन पर भरोसा किया वो आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं और लोग उन्हें अपना प्यार दे रहे हैं। प्रदीप, इस तरह की कंट्रोवर्सी से कितना डर लगता है, या यू कंफर्टेबल कि ठीक है कंट्रोवर्सी है इससे पब्लिसिटी मिलेगी? किस तरह की? गाने के लिए जो थी कंट्रोवर्सी? नहीं नहीं, एक्चुअली जो गंदी कंट्रोवर्सी होती है वो बहुत गलत है, वो मुझे बिल्कुल ना अच्छा लगता है ना पसंद है। और मैं इतना साल हो गया फिल्में करते हुए, मेरा किसी हीरोइन के साथ मेरा नाम भी नहीं जुड़ता दिखेंगे, तो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट लेके काम करना और सिर्फ काम करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। और मेरा मानना ये है, क्योंकि चूँकि मेरे दादाजी डॉक्टर रहे हैं, मेरे पिताजी इतने बड़े निर्देशक निर्माता रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप जो भी काम करो उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, उसमें इज्जत हो और लोगों से प्यार मिले आपको, लेकिन वो प्यार एक अलग रूप में हो, एक इज्जत के रूप में हो, और तभी आप सफल हो, जो सही मायने में जो सफलता कहते हैं तभी मायने में आप सफल होते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि जहाँ भी मैं जाता हूँ तो
लोग उसी नज़रिए से देखते हैं, उसी प्यार से देखते हैं। और वो गाना जो था जिस पर वो विवाद, जो गंदी विवाद हुई थी वो गलत था। बाकी विवाद कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, तो ये कॉन्ट्रोवर्सीज होते हैं, सिनेमा का दूसरा नाम ही है कॉन्ट्रोवर्सी। तो वो लोग अपने आप में क्या बातें करते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब गंदी बातें होती हैं, और वो नहीं होनी चाहिए। और मेरे सभी दर्शकों से, जो लोग कमेंट्स में आके जो अपनी जो संस्कार को जो दर्शाते हैं, गालियाँ लिखते हैं और जो गलत बातें करते हैं किसी और के प्रभाव में, किसी और के फेक आईडीज बनाकर, और लोग फेक आईडीज बनाकर कमेंट्स करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। चूँकि ये हमारे भोजपुरी की संस्कृति नहीं है। हमारे भोजपुरी की संस्कृति तो ये है कि हम अपने से हर बड़े को प्रणाम करते हैं, अपने से हम हर लोग को हम उतनी ही तहजीब तमीज़ के साथ देखते हैं, हर किसी का सम्मान करते हैं। बल्कि भैया जो हमें कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम किसी भी बड़े को भैया ही बुलाते हैं, अपने बड़े का होने का उन्हें सम्मान देते हैं, अपने बड़े होने का वो जगह देते हैं कि आप हमसे बड़े हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है जो हमारे माता पिता हमें देते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि जो फेक आर्टिस्ट बनाकर भी जो गलत शब्द लिखते हैं, हर चैनलों पे कुछ ना कुछ गलत कमेंट्स होते हैं, तो कृपया करके वो ना करें। जब तक आपको दिल से वो गलत ना लगे तब तक, और स्पेशली जो गालियाँ लिखते हैं उनसे निवेदन है कि भाई जीवन में गालियों के अलावा अच्छा काम करिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। काम अच्छा करेंगे तो आपका परिवार सुखी होगा। गालियाँ लिखने से कुछ नहीं होने वाला, वो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। चिंटू आपने जिनके साथ विवाह किया है अभी, आकांक्षा लोगों के साथ हुई है, लेकिन जो खास तौर पर जो फिल्म है विवाह, वो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि उस फिल्म की कहानी आपको झकझोड़ के रख देगा और आप मजबूर हो जाएंगे वो फिल्म को बार बार देखने के लिए। इतनी कमाल की कॉन्सेप्ट, इतना कमाल का प्रेजेंटेशन, उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं श्री मंजुल ठाकुर जी, उन्होंने बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है। और उसके जो प्रोड्यूसर हैं श्री प्रदीप सिंह जी, जो उसके जिन्होंने सारे उस फिल्म को जोड़ा है हर एक खूबसूरत, हर लोगों के साथ, हर कलाकार, हर टीम टेक्निशियन के साथ, काफ़ी कमाल की। और मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी वो फिल्म आया, आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ, स्पेशली लड़कियाँ और उनके जो पिता हैं, जो जिनकी अपनी बेटी है, वो उस फिल्म को देखकर वो ज़रूर रो देंगे क्योंकि वो फिल्म इतनी कमाल की, उसमें इमोशन एक पॉइंट ऐसा है जब इतना कमाल का इमोशन है जो कोई अपने आप को रोने से या कोई अपने आप को उस लेवल पर जाकर इमोशनल होने से कोई रोक नहीं सकता। स्पेशली औरतें या जो जिनकी भी अपनी बेटी होगी या बहन होगी, उनको वो दर्द ज़रूर पता चलेगा। काफ़ी कमाल की और काफ़ी खूबसूरत फिल्म है। चिंटू आने वाली और कौन कौन सी फिल्में हैं इनके अलावा? अभी नायक 21 जून को रिलीज़ होने वाली है, उसके बाद विवाह आप सबके बीच आएगी, और उसके बाद प्रेम गीत आपके बीच आएगी, लैला मजनू आप सबके बीच आएगी। जितनी भी फिल्में हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। ये हर कोई बोलता है कि मेरी फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन ये फिल्म वाकई में बहुत कमाल है सारी फिल्में, क्योंकि मैंने हर फिल्मों को चयन करके किया है, हर फिल्मों को अपने अंदाज में, अपने अलग अलग लुक में किया। जैसे ये भी प्रेम गीत का जो टीज़र देखेंगे उसमें अलग लुक है, और नायक में अलग लुक है, लैला मजनू में पूरी तरह अलग लुक है, और विवाह में तो एक काफ़ी शानदार सा एक लुक लेकर आ रहा हूँ, एक बिल्कुल अलग। अभी उसके जब पोस्टर्स और जब फोटोज़ जब सोशल मीडिया पर आएंगे तो आप सबको पता चलेगा। बाकी हम ये कहें कि आप सबसे तह दिल से हम आप सबके शुक्रिया अदा करना चाहता नहीं, आप सबके अभिनंदन करना चाहता नहीं कि आप सबके प्यार आप अपने भाई पर जैसा बनल रहा वो हमेशा बनल रहे। और जौन भी हमारे फिल्म है उस सब फिल्म के अपन प्यार दी, आशीर्वाद दी, और हमेशा अपन प्यार अपना चिंटू पर बना रखें। चिंटू कुछ गाकर सुनाना चाहेंगे? गाकर अभी एक नायक का ही गाना गा सकते हैं, नायक का जो अपने से पलक मजारो छेड़छाड़ वाला गाना है, फिर से आप सब की लुलिया निधि झा के साथ, वो स्पेशल सॉन्ग है और निधि जी ने बहुत अच्छा गाना परफॉर्म किया है उन्होंने। चूँकि वो बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत अच्छा अभिनय करती हैं, बहुत अच्छी अदाकारा है, और आप सब ने चूँकि उनको बहुत प्यार दिया है, तो फिर से हम दोनों की जोड़ी वो गाने में आप सबको देखने वाली है। वो गाना है लड़की बोलती है कि छोरे छी छोरे तो होते हैं, लड़की पटान है में रोते हैं, पट जाए लड़की तो कमर पकड़ के घोरा में कस कर सोते। तो लड़का बोलता है कि तो फिर नया तरीका अजमा लो रे, अपने से पलंग बजा लो रे, बिना मर्द के दर्द बढ़ा लो रे, अपने से पलंग बजा लो रे,
ये छेड़छाड़ वाले गाने हैं, बाकी साथ साथ खूबसूरत गाने भी हैं। एक फिल्म है प्रेम की, जिसमें बहुत खूबसूरत सा गाना है, लड़की शादी कहीं और कर रही है, लड़का बोलता है, लड़की पहले बोलती है कि छोड़ दा हमर पीछा विछा, छोड़ दा हमर चक्कर वक्कर पीछा कैल, छोड़ दा, ऐसा कुछ लाइन है लड़की का। और फिर लड़का बोलता है कि ते भूल गईले बाकी हम ना भुलाए, जहिया होई तो हर शादी लगा के डीजे गारी आई। तो ये काफ़ी एक मजाकिया गाना है और मुझे पूरा यकीन है कि गाना आप लोग को बहुत पसंद आएगा और काफ़ी डीजे में बजने वाला है। तो अपने डीजे वाले बाबू को बोलिए ये सब गाना बजाने के लिए और अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.